तो इस बार जो है बहुत जरूरी चीज लाइट चैप्टर से जुड़ा हुआ। भाई आपको तो न्यूमेरिकल में हमेशा दिक्कत रहती है, तो इस दिक्कत को हम आज एकदम सॉल्व कर देंगे, एकदम क्लियर कट आ जाएगा आपको लाइट चैप्टर का, ये एकदम प्रॉमिस है भाई। ठीक है, अगर आपको कुछ बेसिक बातें पता हैं तो भाई ज्यादा हम एकदम चैप्टर का इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं चाहिए आपको, चलो कुछ बेसिक बातें पता है तो आप ये कर सकते हो। ओके, तो यहां पर हाउ टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर लाइट, यानी एनी न्यूमेरिकल मतलब क्या आ सकता है, या तो लेंस पे आएगा या तो मिरर पे आएगा, और क्या लेंस मिरर के अलावा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप पे तो नहीं आएगा ना हमको, तो यहां पर या तो लेंस या तो मिरर। ओके, तो वी हैव द फॉर्मूला, हमको यहां पे कोई डिराइव करने की जरूरत ना है भैया, यहां पर कोई डिराइव नहीं करना, यहां पे बस फॉर्मूला दिया उसको यूज करना है। बहुत अच्छी बात है भाई, लेंस होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, 1/f = 1/v - 1/u, मिरर है तो 1/f = 1/v + 1/u, खाली माइनस प्लस का फर्क है, लेंस रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, मिरर रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें एफ वी और यू क्या है, एफ होता है जो आपका डिवाइस है, लेंस है, मिरर है, उसका फोकल लेंथ, राइट, और वी क्या है, वी होगा तुम्हारा जो इमेज है उसका डिस्टेंस मिरर या लेंस से, इमेज डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम सामने रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया लेंस या मिरर से, सिंपल है यार, इसमें वो टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है ना, अगर मान लो ये मिरर है, इसका ये डिस्टेंस अगर मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसके आधे डिस्टेंस पे, हाफ वे पे क्या रहेगा भाई, फोकल लेंथ रहेगा, प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट लाई करता है, तो फोकल लेंथ ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसको एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना, एकदम क्लियर रखना है। इसके बाद बात करें अगर हम मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h' / h, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज बाय ऑब्जेक्ट की साइज, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, ये बात याद रखना कि ये फॉर्मूला लेंस हो या फिर मिरर दोनों के लिए सेम है, मैग्निफिकेशन इज h' / h। लेकिन अगर v और u के टर्म्स में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखना है तो लेंस के लिए अलग है, मिरर के लिए अलग है। क्या अलग है, लेंस के लिए है v अपॉन u, मिरर के लिए है -v/u, कौन सी बड़ी बात है। इसमें अगर आपको प्लस माइनस कहाँ लगाना है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ट्रिपल एम याद रखो। क्या है सर ट्रिपल एम, ट्रिपल एम का मतलब मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला में मिरर वाली केस में माइनस साइन आता है, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला में मिरर वाली केस में माइनस साइन आता है, क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे, फॉर्मूला तो भाई इतने ही चाहिए, आगे देखते हैं क्या होगा। आगे मैंने टर्म्स बताए हैं, एफ क्या है, फोकल लेंथ है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वी है इमेज डिस्टेंस, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एच है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश है साइज ऑफ इमेज, और यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात भी मैंने कुछ लिख रखी है जिसके बिना कोई भी न्यूमेरिकल सही नहीं हो सकता, विच इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू है वो हमेशा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, लोगे देखो यही गड़बड़ कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि हम हमेशा उसको लेफ्ट में रखते हैं, लेफ्ट में क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना, साइन कन्वेंशन में लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव लिखते हैं। और इसमें एक बात और है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है यानी एच को, क्योंकि वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, उसमें हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव। ओके, इसके बाद फोकल लेंथ जो है कॉनकेव होगा तो नेगेटिव लिया जाएगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, नेगेटिव होगा, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, केव केव यानी क्या, नेगेटिव। ओके, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या रहेगा, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, कॉन्वेक्स के लिए होगा पॉजिटिव, भाई याद रखो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसके अलावा मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका हमने फॉर्मूला यहां देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, और कुछ ना कुछ नंबर होगा, है ना, +0.2 या -1.6, कुछ ना कुछ ऐसे ही मिलेगा, है ना, तो कोई भी नंबर आएगा और ये साइन होगी, तो ये दो चीजें क्या इंडिकेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इंडिकेट करते हैं, मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है प्लस या माइनस, ये हमको बताता है नेचर ऑफ इमेज के बारे में। नेचर दो टाइप के होते हैं कि नहीं होते भाई, अरे बोलो कौन सा, जो एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट और दूसरा होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब भी मैग्निफिकेशन का जो ये साइन अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट, और इरेक्ट का मतलब क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव मतलब उल्टा, यानी
यानी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड कौन सा होता है, रियल इमेजेस होते हैं। सो पॉजिटिव आने का मतलब, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब इमेज कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट। नेगेटिव आने का मतलब कैसा है, रियल इन्वर्टेड। इरेक्ट और इन्वर्टेड से याद रखो, पॉजिटिव मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, और नेगेटिव मतलब क्या, उल्टा, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर यहां पर एन की बात करें तो ये भी कुछ बता रहा है, साइज ऑफ इमेज के बारे में बता रहा है कि इमेज जो है वो कितनी साइज का होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ये एन की वैल्यू 1 आई, इस नंबर की वैल्यू 1 आई, तो मतलब क्या, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के हैं, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। अगर ये n की वैल्यू लेस देन 1 आई, 1 से छोटी आई, 0.2, 0.5, 0.9, 1 से छोटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपका इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है। और अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी आई, 1.2, 1.5, 2, 5, 6, कुछ भी आवे, तो उसका मतलब आपका इमेज जो है वो कैसा है, एनलार्ज्ड है या फिर मैग्निफाइड है। ये बात याद रखनी है भाई, बहुत जरूरी है। इसके बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल को एकदम जबरदस्त कर पाओगे, एकदम सिंपल तरीके से कर पाओगे, मेरा प्रॉमिस है यार, ठीक है। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन को मैं एक परफॉर्म कर दूंगा भाई, बहुत टफ सा तो नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, पर यही चीजें यहां पर काम आती है, बस मेरे को ये बताना है, ओके। इसके अलावा क्वेश्चंस तो मैंने इतने कर रखे ना भाई इस चैप्टर के, कि भाई कुछ बोलना ही नहीं, आप देख लो जाके चैनल पे देखो, मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर रहे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे लाइट चैप्टर का हो, ओके। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर। सो यू नो कि भाई कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 45 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा, मतलब u की वैल्यू क्या हो गई, माइनस, मैंने अभी बताया u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो व्हेन u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो भैया माइनस 45 ले लूंगा मैं। और यहां पर क्या बोला है, कन्वर्जिंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी r की वैल्यू कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा उसका, हाफ हो जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर, ओके, है ना। एफ क्या है, आर बाई टू है, देखो ना यहां पर, ओके। और मैंने अभी बताया कि कॉनकेव की केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, यानी ये चीज क्या हो गई, माइनस, रेडियस भी इनफैक्ट माइनस 60 होगा, ठीक है। सो दिस इज माइनस 30 सेंटीमीटर, एफ मिल गया, यू मिल गया, आपको क्या पूछा है, फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज, यानी वी निकालना है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, यानी मैग्निफिकेशन निकालना है, सही है ना। अभी हमने यहां बताया, तो पहले हम v निकाल लेते हैं। अगर हमारा मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा, क्या है भाई मिरर फॉर्मूला, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, मिरर फॉर्मूला, ओके। सो दैट इज, वैल्यूज डालते जाओ, 1 by f का मतलब क्या, माइनस 30, 1 by v हमको निकालना है, u कितना है, माइनस 45। अब इस माइनस वाले टर्म को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली 1 बाय 45 माइनस 1 बाय 30 इज इक्वल टू 1 बाय वी, सही है ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई इधर से इधर, क्या आ जाएगा, 30 माइनस 45 अपॉन कितना हो गया, 750 इज इक्वल टू 1 बाय वी। 750 आएगा, कुछ और आएगा, 45, 3, ये हो गया 3 5 15, 3 4 12, 13, 1350 आएगा, क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो सर, 1350 आएगा, नहीं तो अभी आ गया होता बहुत सारा कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 15 अपॉन 1350 इज इक्वल टू 1 बाई वी, दैट इज 5 3 15 और 5 2 10 और यहां पे 5 7 35 एंड दिस इज 0 और ये होता है 3 9 27। तो यहां कितना आया, माइनस 1 बाय 90, यानी v कितना हो गया, माइनस 90 सेंटीमीटर, v आ गया माइनस 90 सेंटीमीटर। तो अब इससे हम मैग्निफिकेशन भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों ना निकाल ले भाई, निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस, है ना, मिरर है, मिरर के लिए क्या आएगा, माइनस वी अपॉन यू, एच और एच डैश तो दिया नहीं है, तो इसी के टर्म में लिखेंगे माइनस वी। अभी हमने वी निकाला, माइनस 90, एंड व्हाट इज यू, यू कितना है भाई,
u इज माइनस 45, ये वाला माइनस अंदर ही कैंसिल कर दो, 45 टू जा 90, यानी कितना आया माइनस 2 आया मैग्निफिकेशन। माइनस का मतलब अभी बताया मैंने, माइनस मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल इन्वर्टेड, और 2 का मतलब क्या, अब इसको माइनस 2 कंसिडर नहीं करना है, 2 को अलग कंसिडर करो, 2 ये नंबर 1 से ग्रेटर है, जिसका मतलब क्या हुआ एनलार्ज्ड, यानी इमेज जो है आपका एनलार्ज्ड है ऑब्जेक्ट से, इनफैक्ट कहो ज्यादा अप्रोप्रिएट, तो इमेज ऑब्जेक्ट से दोगुनी साइज का है।